हेलो दोस्तों, मैं शिवम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल, इसका नाम है भारद्वाज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक। दोस्तों, आज मेरे पास एक 1 KVA का ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर रिपेयर होने के लिए आया है दोस्तों। पर दोस्तों, हमारे पास ये थोक में रिपेयर होने के लिए आया है, ये एक दुकानदार का है। और दोस्तों, इसमें क्या है ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल जला हुआ है दोस्तों। ये बिल्कुल, मैं ये देखिए, उसने खोल के देखा हुआ था इसको बिल्कुल। ये देखिए, ये ट्रांसफार्मर जो है ये बिल्कुल जल चुका है, ये देख सकते हैं दोस्तों। तो आज दोस्तों, मैं इसको इसमें नया ट्रांसफार्मर डाल के और इसको मैं आपको प्रॉपर कनेक्शन इसके दिखाऊंगा। और आप देख सकते हैं ये, और ये यहाँ इसमें 3 रिले यूज किए गए दोस्तों। और ये मैं आपको इसको मैं इसके बारे में आपको पूरा बताऊँगा। और ये 3 प्रीसेट वाली है, 3 रिले के लिए कोऑपरेट करने के लिए ये सर्किट है। ये इसकी पूरी ट्यूनिंग मैं आपको करके दिखाऊँगा। ये स्टेबलाइजर 90 वोल्ट से 280 वोल्ट का है और इसकी ट्यूनिंग किस तरीके से की जाती है दोस्तों। तो आप दोस्तों ये वीडियो को देखते रहिए ध्यान से, और मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप पूरे इसके कनेक्शन करके दोस्तों बताऊंगा मैं इसके। ये बिल्कुल देखें, बिल्कुल जला हुआ है दोस्तों, ये बिल्कुल जल चुका है ये। और इसको कनेक्शन करने से पहले दोस्तों, मैं इसकी रिले भी चेक करूँगा, क्योंकि हो सकता है इसकी रिले भी जल गई हों ट्रांसफार्मर के साथ साथ। देखिए दोस्तों, मैंने इसमें ये ट्रांसफार्मर फिट कर लिया है। और देखिए दोस्तों, ये एक रिले भी इसकी ख़राब थी, मैंने चेक की थी, तो यहाँ पे मैंने एक नई रिले भी लगा दी है। और ये देखिए, मैं आप इसके स्टेपिंग के बारे में बता देता हूँ। इसमें देखिए, ये एक इसे कॉमन है ये स्टेपिंग, और ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। और ये जो हमारी है, ये 24 वोल्ट की सप्लाई है, ट्रिगर सप्लाई, ये हमारी किट को ऑपरेट करने के लिए है दोस्तों। पर दोस्तों, मैंने इसमें ये वाली किट लगी थी दोस्तों, तो और इसमें 2 ट्रिगर सप्लाई लगती हैं, एक है 909 से और एक हमारी 24 वोल्ट की सप्लाई दोस्तों। अब ये मैं इसको चलो दोस्तों, अब मैं आपको कनेक्शन करके आपको इसको दिखाता हूँ दोस्तों। इसमें ये देखिए, 3 रिले लगी हुई हैं, इनपुट 2 इनपुट और आउटपुट। यहाँ से मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसके न्यूट्रल से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों आप, एक ये ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल है और एक ये हमारा मेंस का न्यूट्रल है। तो ये न्यूट्रल कॉमन रहता है दोस्तों, तो मैं ये न्यूट्रल को यहाँ पे सोल्ड कर लेता हूँ। ये मैंने न्यूट्रल को आपस में सोल्ड कर लिया दोस्तों। और अब मैं ये मेरी पहली टेपिंग, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो दोस्तों, ये रिले का NC पॉइंट है, ये NO, ये कॉमन, और ये रिले की कॉइल है दोस्तों। तो दोस्तों, जो हमारे ट्रांसफार्मर का पहला लूप है यानी कि 90 वोल्ट, ये हमारा NC पे कनेक्ट होगा। तो दोस्तों, हम लोग इसको कर लिया, और जो दूसरा वायर है वो भी दूसरे रिले के यानी कि इनपुट 2 रिले के NC पे आएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको सोल्डिंग हैवी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इसको कॉपर वायर से सोल्डिंग कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये इनपुट 2 हो गया, रिले NC पे कनेक्ट हो गया, और ये हमारी तीसरी है। तो ये हमारी जो तीसरी रिले है, ये वाली आउटपुट रिले, इसके NO पर आएगा दोस्तों। दोस्तों, पहले मैं इसको यहाँ पर इसको सोल्डर लगा लेता हूँ उसमें, जिससे हमारा वायर अच्छी तरीके से सोल्ड हो सके। दोस्तों, कभी कभी इस पर क्या होता है, अगर इस पर सोल्डर नहीं चढ़ता है तो उसको आप लगाने से पहले इसको हल्का रेगमाल से या रेती से इसको घिस लीजिए। तो मेरे पास ये एक एल्युमिनियम फ्लक्स है, इसको लगाने से बहुत बढ़िया सोल्डिंग होती है दोस्तों। तो मैं इसको पहले इसको लगा लेता हूँ, और इसमें थोड़ा थोड़ा इस पर सोल्डर लगा लेता हूँ। रिचार्ज मोबाइल फोन
अभी दोस्तों ये हमारे रिले ट्रांसफार्मर का तीसरा वायर है, ये तीसरी रिले आउटपुट रिले के इन ऊपर सोल्ड करेंगे इसको। और ये हमारा बचा लास्ट लूप, ठीक है। तो इसको हम जो हमारी ये लास्ट रिले है यानी आउटपुट रिले के एनसी पर सोल्ड करेंगे, तो इसको भी हम लोग सोल्ड कर लेते हैं। ये हमने चारों वायर टाइट कर लिए दोस्तों। अभी हमारे अब हमको जंपर करना है दोस्तों, तो जंपर के लिए अब हम क्या करेंगे, मैं पहले से रिले से आपको बताऊंगा दोस्तों। दोस्तों ये हमारी पहली रिले है, ये यहाँ की इसका एनो और इसके पोल से कॉमन हो जाएगा दोस्तों। इसको हम यहाँ से जंपर मार देंगे, यानी कि इसका एनो और दूसरी यानी इनपुट टू रिले के कॉमन से शॉर्ट कर देंगे दोस्तों। तो हम उस हिसाब से इसका वायर नाप लेते हैं दोस्तों। पर कर दिया पहली रिले के एनओ से और दूसरी रिले के पोल से, हम लोग इसको शॉर्ट कर देंगे। और अब हम दूसरा जंपर करेंगे दोस्तों, ये इनपुट टू रिले का एनओ और ये आउटपुट रिले के एनसी से इसको हम यहाँ से शॉर्ट कर देंगे। दोस्तों मैं इसको दो पार्ट में ख़त्म करूंगा दोस्तों। आज मैं आपको इसमें ट्रांसफॉर्मर के कनेक्शन बता रहा हूं दोस्तों, और दूसरे वीडियो में मैं इसकी किट के कनेक्शन बताऊंगा और इसको प्रॉपर टेस्ट करके आप लोगों को दिखाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज़ आप वीडियो को वॉच करते रहिए हमारी, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और दोस्तों आप देख सकते हैं आज हमारे पास ये एक ई-रिक्शा का चार्जर रोटरी चार्जर रिपेयर होने के लिए आया है, और ये के 500 वाट का स्टेबलाइजर है, और ये के सुकेम का इन्वर्टर है दोस्तों। अगर मुझे टाइम मिला तो इन पर भी वीडियो मैं बनाऊंगा दोस्तों। इसको सोल्ड कर दिया है। अब दोस्तों ये हमारा इनपुट का पोल है, ये पहले से ही सोल्ड है दोस्तों, तो हमने इसको छेड़ा नहीं है। बाकी इनपुट की भी वायर इसमें जाएगी दोस्तों, और आप देख सकते हैं। और ये एक ये दूसरा लास्ट पोल खाली है, यहाँ से हमारी आउटपुट जाएगी। तो दोस्तों ये हमारा 909 का न्यूट्रल तार यहाँ से कनेक्ट है दोस्तों। इसको सप्लाई के लिए मैं इसको मेन से कनेक्ट करूँगा दोस्तों। नाइन जीरो नाइन को सप्लाई दे दिए दोस्तों, और ये जो 909 की आउटपुट वायर है 909 की, यानी कि 9+9 18 वोल्ट की, ये हमारी ट्रिगर पे जाएगी। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके रिले के कनेक्शन करके बताऊंगा कॉइल के, और जो किट के कनेक्शन दोस्तों करके बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं पर ख़त्म करता हूँ दोस्तों, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो को आप मेरी प्लीज़ वॉच करिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज आपसे यहीं विदा लेता हूँ दोस्तों, धन्यवाद।